बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं रब करीम के बाबरकत नाम से जो बड़े मेहरबान और नहायत ही रहम वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाखैरियत हूँ और आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि आप लोग जहाँ होंगे इंशाल्लाह बाखैरियत होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हड्डी गुटी के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हड्डी गुड्डी सर्दियों के मौसम में बहुत मुफीद होती है, ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसका सूप भी बनाया जाता है और इसका सालन भी बना के इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आपके साथ इसके सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी पाए स्टाइल में। जिस तरह पाए बनाए जाते हैं उस तरह मैं ईजी रेसिपी अपनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। हमने यहाँ पर दो किलो हड्डी गुड्डी ली है और इसको अपने बहुत अच्छी तरह धो लिया। अब हम इसे कुकर में चढ़ाकर बॉईल करने के लिए पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे और उसके बाद इसका सालन बनाएंगे। हड्डी गुड्डी के साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डाल लें, हसब जायका नमक डेढ़ डोरा, दो दरमियाने साइज की प्याज हमने स्लाइसेस में काट ली थी वो भी इसमें ऐड करना है। इसके अलावा हम इसमें पोटली बना के डाल लें। इसमें हमने सौंफ ली है, बादियान के फूल लिए हैं, सौंठ ली हुई पिसी हुई और तेज़पात के पत्ते लिए हैं। ये सब इसमें हम डाल देंगे और इसकी पोटली बना लेंगे। ये पोटली भी हम इसमें ऐड कर बाद हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। हमने इसमें तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डाला है। अगर आपको इससे अंदाज़ा नहीं दे तो इतना पानी डालिएगा कि ये हड्डी गुड्डियों के ऊपर जो है 1-1 इंच पानी खड़ा रहे। हमने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसको तकरीबन 15 मिनट का वेट लगाएंगे। अब 15 मिनट हो गए हैं, हड्डी गुड्डियाँ जो है अच्छी तरह गल गई होंगी। अब हम इससे आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें हाफ प्याली ऑयल ले रहे हैं। ऑयल इसमें हमने कम ही लिया है क्योंकि जो गुड्डियाँ का यखनी बनाई हमने उसमें भी ऑयल आ गया। अगर आपके घर वाले ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद करते हैं तो आप ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि गुड्डी को हमने जब पकाया है यखनी बनाई है उसकी तो उसमें काफ़ी ऑयल आ गया। ऑयल के गर्म होने पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, ये 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा छोटे करेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची ऐड कर रहे हैं। हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि हमारे स्पाइसेस पाउडर स्पाइसेस जो है वो जले नहीं। 1 टेबल स्पून हम इसमें देगी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसमें हम चमचा कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 1/2 टी स्पून हल्दी ऐड कर रहे हैं क्योंकि हल्दी हमने यखनी में भी डाली। 1 टेबल स्पून करी पाउडर यूज़ कर रहे हैं। करी पाउडर जो है वो ऑप्शनल, आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। 1.5 पाव टमाटर थे हमारे जिसका हमने पेस्ट बनाया है। इसे बहुत अच्छी तरह भूनेंगे हम। इसने ऑयल छोड़ दिया, मसाला तकरीबन भून रहा। अब हम इसमें 1 पाव दही बीट करके वो इस्तेमाल करें। मसाले को अच्छी तरह हम भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह भून गया, तेल भी छोड़ दिया। अब हम इसमें यह हड्डी गुड्डी जो हमने गलाई थी ये ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह मिलाएंगे और इस मसाले में भून लेंगे इसे अच्छी तरह। यह हड्डी गुड्डी मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह भून गई है। अब इस स्टेज पे हमने जो यखनी बनाई थी वो इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब इसके जोश आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी स्टेज पे आप इसका नमक भी चेक कर लीजिएगा और अपनी टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें जोश आ गया। अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखें।
दम पे रखने से पहले इसमें सिया जीरा हमने तवे पे रोस्ट कर लिया और उसको हम हाथ से मसल के इसमें डालना है। ये जो है टिप है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह इसमें चमचा चला देते हैं। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसकी फाइनल लुक ही दिखाएंगे। ये हमारी रेसिपी की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। जितना देखने में अच्छा लग रहा है, इतना ही खाने में भी मज़ेदार। सर्दी के सीज़न में ये बहुत मुफीद होता है जोड़ों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसमें जो हमने पोटली डाली थी उसको आप आखिर तक रिमूव नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसका अरोमा सालन में मुस्तकिल शामिल होता रहता है। इसके अलावा ये रेसिपी, इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मटन और बीफ दोनों के पाए भी बना सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा ये। इसके साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, रेसिपी फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और रेसिपी आपको सही रिज़ल्ट दे। इसके साथ ही अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, ज़मीन वालों पे मेहरबान रहिएगा, अर्श वाला इंशाल्लाह आप पे मेहरबान रहेगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।